है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर आज हम बात करेंगे रेडियस और फिलेट्स के बारे में। ठीक है, रेडियस, फिलेट्स और चैम्फर जो भी हम किसी कंपोनेंट में आपको जब भी मिलते हैं या फिर आप किसी प्लेट्स वगैरह में भी आप उसको देखते हो, ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या यूज है। बेसिकली किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट में रेडियस और फिलेट्स, आप बोल सकते हो कि चैम्फर, वो इसलिए देते हैं ताकि उसमें मटेरियल का जो फ्लो है वो आसानी से हो सके, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें शार्प कॉर्नर को रिड्यूस करने के लिए हम रेडियस और फिलेट्स और चैम्फर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम किसी भी कंपोनेंट में रेडियस और फिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही रेडियस और फिलेट्स देने का एक और कारण है कि जब प्लास्टिक कंपोनेंट इजेक्ट होता है तो इजेक्शन भी उसका आसानी से हो जाता है, क्योंकि कहीं पर भी दुनिया में कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें अगर आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा हो, मतलब शार्प कॉर्नर हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगी। ठीक है, तो 0-0 में तो कोई भी पार्ट होता नहीं है कभी। ठीक है, तो रेडियस और फिलेट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए, या फिर कहीं दूसरी जगह भी, या शीट मेटल में भी अगर आप बात करो तो आपको वहां पर भी उसका इंपॉर्टेंस नजर आता है। और अगर आपको रेडियस किसी कंपोनेंट में देना है तो उसका जो एक स्टैंडर्ड है वो उसकी कंपोनेंट की जो वॉल थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस को डिवाइड बाय 4 करो। ठीक है, सपोज वॉल थिकनेस ए है, उसको 4 से डिवाइड करो तो जो वैल्यू आएगी उतनी आप मिनिमम उसमें रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हो, मिनिमम उतना रेडियस आप उस कंपोनेंट में दे सकते हो। ठीक है, तो जो रेडियस और फिलेट्स के जो बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक यूज है, हम उसको क्यों देते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल का जो फ्लो होता है उसको हम इम्प्रूव करने के लिए फिलेट्स और रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ ही कंपोनेंट की रिजिडिटी बढ़ाने के लिए और साथ ही मोल्ड की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए भी हम रेडियस और फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसका साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कंपोनेंट हमारा जल्दी निकल जाए। ठीक है, इस कारण से उसके साइकिल टाइम को भी कम करने के लिए हम रेडियस और फिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमको पता नहीं चलता, लेकिन इनडायरेक्टली रेडियस और फिलेट्स इन सभी चीज में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये था रेडियस और फिलेट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी बहुत काम आएगी जब भी आप डिजाइन करते हो। तो जब भी आप डिजाइन करते हो तो आपको रेडियस और फिलेट्स के रिलेटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी जब भी आप मोल्ड को डिजाइन करोगे या पार्ट को डिजाइन करोगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय।